नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको रिबाजेन टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ में जानेंगे किन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको रिबाजेन टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो रिबाजेन टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी मार्केट प्राइस लगभग 114 रुपये है और 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको मैकलियाड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही मशहूर कंपनी है। और यह दवा आपको हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। कंटेंट की बात करें तो इसमें रिबामिपाइड होता है, जो कि प्रत्येक टैबलेट में 100 mg होता है। यह एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके यूजेज की बात करें तो इसका इस्तेमाल पेट में अल्सर या छाले हो गए हों तो उसे ठीक करने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में सूजन या मुंह में छाले हो गए हों या जीभ पे छाले हो गए हों तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही जल्द छाले से आराम मिल जाता है। तो ये सब इस टैबलेट के यूजेज हैं। और आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है। हर एक दवा का डोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको जैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो रिबाजेन टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति सुबह और शाम ले सकते हैं। इसको खाली पेट ले सकते हैं या खाना खाने के बाद। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो डोज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं रिबाजेन टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि जीमच लाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या, चक्कर आना, मुँह सूखना और कब्ज़ की समस्या, पेट में गैस की समस्या, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। और कुछ सावधानियों की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेंस और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस टैबलेट का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए। इन लोगों को लीवर या किडनी से संबंधित समस्या है, उन लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की जानकारी रिबाजेन टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे।